समय बच रहे हैं दोपहर के 10:15, दोपहर के नहीं सुबह के 10:15। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है व्लॉग, बिकॉज आज मैं देर से उठी हूँ, बहुत देर से उठी हूँ, लेकिन उठ गई हूँ फाइनली। नहा के फ्रेशन अप हो गई हूँ, लग तो नहीं रही हूँ, बहुत गंदी लग रही हूँ, मैं नहाई हुई तो लग नहीं रही हूँ किसी भी एंगल से, पर नहा लिया है। और मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नहीं, मोटिवेशनल एडवर्टाइजमेंट है, बेसिकली मोटिवेशनल एडवर्टाइजमेंट है, तो उसकी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ आज। वो लिख के शुरू कर दिया, दिमाग में आइडियाज़ हैं काफ़ी कि कैसे कैसे लिखना है, बट अभी मैंने प्रॉपर उसको शुरू नहीं किया है, तो चलो वो बैठ के पहले लिख लेते हैं स्क्रिप्ट ख़त्म करके, उसके बाद फिर मैं आपको दिन में मिलती हूँ। एक बहुत ख़राब सी न्यूज़ है जो मुझे आपको देनी है। सुबह ही आज 5:15 बजे लगभग माओ बाहर खेल रही थी, उसको ऑलरेडी, क्योंकि वो मेल है, मेल कैट है, तो मेल कैट दूसरे मेल कैट के दुश्मन होते हैं, प्रॉपर जानलेवा दुश्मन, पता नहीं कहाँ से, मतलब बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी माओ बड़ा है, लेकिन फिर भी उसको पीछे से अटैक किया उसने, तो जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाइक जहाँ से पूँछ शुरू होती है ना, वहाँ पे पीछे से दो दांत लगा दिए उसने। अब बुरी हालत होने वाली है, अब उसको मैं होपफुली अभी आज लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि बाल बहुत होते हैं ना, तो शेव करके बाल हटाया जाएगा वहाँ का, और उसके बाद फिर उसमें, हालांकि रिस्की बहुत होता है, जानलेवा होता है, जब हिप पे लाइक बॉडी ऐसी होती है ना, तो दोनों साइड के हिप पे अगर दांत लग जाते हैं तो बहुत जल्दी उधर ही अटैक करते हैं, एक मेल दूसरे मेल पे उधर ही अटैक करता है, बिकॉज जो उनका, जैसे हमारा ब्रेन में नर्वस जंक्शन होता है, वैसे कैट्स का हिप में नर्वस जंक्शन होता है, तो इसलिए उधर ही अटैक करते हैं, इंस्टिंक्ट वाइज उधर ही अटैक करते हैं कि दूसरा मेल डिस्ट्रॉय हो जाए, हाँ, अपना राज बचाने के लिए। तो थैंकफुली वहाँ पे नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक फेटल, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन दांत तो दर्द लग गया, उसको दर्द भी काफ़ी हो रहा है दांत घुस के अंदर। तो मैं जा रही हूँ, मतलब अभी थोड़ा काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी क्लिनिक खुली नहीं होगी, क्लिनिक खुल जाती है उसके बाद फिर मैं उसको लेके जाती हूँ। जी, मैं और वैभव फाइनली जा रहे हैं माओ को लेके, तो लेके जा रहे हैं, उसको बताया था आपको लेके जाना है क्लिनिक, तो शुरू हो गया दी ब्लॉग में हम लोग। अरे वाह, तो मिटू सोना, दर्द हो रहा है, फेमस हो गए, दर्द हो रहा है, चले चलो फिर उसे लेके चलते हैं, पकड़ो, मैं आपको फिर रास्ते में मिलती हूँ। रास्ते में तो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी मैं, ड्राइव करते समय, बट पहुँचोगे तब उसको लेते हैं, कर लिए ना, चल क्लिनिक पे आ गए हैं, माँ को लेके आ जाओ अंदर, चलो चलते हैं। मैं आप क्लिनिक पे आ गए हैं, लास्ट टाइम ट्रीटमेंट हुआ था, शेव वेव करनी पड़ी थी बॉडी, देखो उस पर क्या होता है, चलो बेटा अंदर लेके चलो। यही पे है, हाँ, डोर बंद कर दो। तो बॉडी में कहीं टच करने पे दर्द नहीं हुआ इसको, लेकिन यहाँ टच किया तो तुरंत रिवर्ट बैक। आज सुबह ही किया, सुबह से तो ये गायब थी, मिली नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ छुपी बैठी। ड्रॉप दे दें, ड्रॉप दे दो, इंजेक्शन लगा दें, रेमिश क्या क्या कर रहे हैं, ये तो घर में ही है, ये घर ही में हुआ है, ये घर में सुबह सुबह 5 बजे बाहर टहलने के लिए कैंपस के अंदर, पता नहीं कहाँ से बाहर से आ गया और लड़ाई किया वो, तो मैं तो भाग के सो रही थी, देखा मेरी कौन माओ। खाना पीना नॉर्मल, सब नॉर्मल, हाँ, सुबह दोपहर में नहीं खाया है सब ज्यादा, दोपहर में आज खाना नहीं खाया है, बिकॉज ये थी नहीं ना, शेड पे घुस के बैठी हुई थी, कैसे कैसे तो बाहर निकाला है इसने, रुको बेटा, शेव करना पड़ेगा क्या, थोड़ा लास्ट शेव कर माओ, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई है, सब बाहरी डॉग जो है, स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट जब अपने अपने जो पेट्स होते हैं उसको काटते हैं तो पोस्ट ब्लड शेड्यूल होता है ना, पोस्ट ब्लड रेबीज शेड्यूल होता है, तो वो आपको 0 day 3 7 14 or 28 ये शेड्यूल होता है। तो अभी इनका फाइनली हमें कुछ आपके पास दोबारा कब लेके आएंगे, ये कल हो जाएगा, 2 परसों हो जाएगा, 16 है ना, 17 कल, 18 19 को फिर आप लगा, 19 को दोबारा से, रुको खोलो ये वाला खोलो, हाँ चलो, बेसिकली सब कुछ ठीक है, जितना मैं डर रही थी उतना डरने वाली बात है, तो ओबियसली डर तो हो ही रहा है उसको, लेकिन उतनी भी डरने वाली बात है नहीं, बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, रेबीज़ मैंने लगवा दी है और प्रोबेबली 19 को मुझे वापस रेबीज़ लगवानी पड़ेगी फॉर द सेफ्टी पर्पज़, और अभी इनको पेन कलर दे दिया है और रेबीज़ के इंजेक्शन दो दे के बीटाडिन लगा के क्लीन कर दिया सारी चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं,
बस दर्द ना हो, इसे रिलैक्स रहे बस, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। चलते हैं हम, इनको थोड़ी एक आध हफ्ते तक स्पेशल इनकी टेक केयर करनी पड़ेगी। ये बहुत या भाई और एरोगेंट है, मारा मारी करके हमेशा, ये गुंडा हमारे दो बच्चे होते हैं ना। जी आ गया घर मेरा बच्चा छोटू सा मोटू सा, उसको जाओ अंदर लिटा दो, मेरे रूम में मत लिटा लो, मैं बिस्तर पर लेट के सब सुसु कर सकती हूँ, हॉल में लिटा दो। सेम प्लेस पे आ गए हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम चाबी मैंने नहीं निकाली थी, और इस टाइम मैंने याद से चाबी चाबी अरे चाबी हाँ चाबी रख ली है। पैर में देखो, पैरों में दर्द है, थोड़ा थोड़ा दर्द है, स्ट्रेच है, और कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ा जब तक मूवमेंट नहीं होगा ठीक भी होगा ना, इस वजह से आज वॉक आना ज़रूरी था। चलो मैं ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आ तो गए यहाँ पे, लेकिन उस दिन की तरह शांति नहीं है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, इधर बहुत क्राउड है बाबा, इधर तक आए का वॉक देखो, जस्ट लुक एट द क्राउड, बहुत तगड़ा वाला है। मेरे को शांति वाली जगह में आगे थोड़ा निकल लूँगी, वॉक की उधर ही जाऊँगी, यहाँ बहुत भीड़ है। लुक एट द क्राउड, काय का वॉक होगा यहाँ पे, एंड दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैकेंट एम्प्टी ट्रैक हियर, बिकॉज रेस्ट ऑल द प्लेसेस देयर लाइक सो क्राउडेड। प्रॉपर जो नौका है ना वो तो दिख रहा होगा, उस पार देखो लाइटनिंग आ रही है थोड़ी सी, या वो नौका काफ़ी क्राउडेड होता है, लाइक दैट इज टू मच क्राउडेड। तो इस साइड ही इधर आके ट्रैकिंग पे और लाइक वॉकिंग पे अच्छा होता है। तो चलो मैं थोड़ा वॉक कर लूँ ये वाले ट्रैक पे सी, और इधर ही मैं वॉक करने के लिए आया हूँ, थोड़ा वॉक कर लूँ पैर की, बिकॉज पैर में दर्द है ना, तो उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और प्रॉपरली लाइक वॉक, यूजुअली मैं घर से बाहर आ नहीं पाती, तो आज टाइम है, संडे है थोड़ा शाम का, तो मैं सोच रही थोड़ा वॉक कर लूँ पैर के लिए अच्छा हो जाएगा, थोड़ा पैर में मूवमेंट ज़रूरी है ना। चलो जी चलते हैं, लेट्स गो। ऑलमोस्ट मेरी वॉक हो गई है, लाइट इफेक्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट मेरी वॉक हो गई है, मैं घर पहुंच के फिर आपको मिलती हूँ। रास्ते में मुझे कुछ मम्मी के लिए लेना है कुछ चीज़ें, और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेके फिर मैं घर पहुंचती हूँ, डायरेक्टली आपको घर पे मिलूँगी, बिकॉज रास्ते में लाइक क्लम्सी हो जाएगा, काफ़ी क्राउड है ना, तो मैं साथ में कोई है नहीं, लॉग भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा, तो हल्का सा वॉक करके फिर घर निकलते, फिर आपको मैं घर पर मिलती हूँ। ओके, अभी इस समय बज रहे रात में 9:30, बस आज पूरा दिन माओ के पीछे लग गया, पीछे इन द सेंस कि उसको देखने में और क्या कर रही क्या नहीं कर रही। माओ को बुखार आ गया एक्चुअली, बिकॉज वैक्सीन रैबीज़ भी लगी है और उसको पेन किलर भी, और ऑब्वियसली चोट तो लगी है ना, तो देखो कहाँ सो रही है वो, मेरे टेबल के नीचे मैंने छोटी टेबल रखी है ना एक, देखो है ना, यहीं पे सो रही है, मैं बोला यहीं सो जाए, कहीं भी सो जाए, खाना उसने नहीं खाया, सुबह भी खाना नहीं खाया था, बिकॉज सुबह सुबह 5 बजे तो उसे चोट लग गई, 5:30 बजे, दोपहर में 2-3 इतना सा खाया होगा बस, मतलब 11-12 बजे के आसपास उसको खाना नहीं खाया। मैं इसको बैठा खाना खिला दूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। बटू आइए खाना खा लीजिए, मेरा बच्चा इधर ही खिला दो, ये खाओगे आओ ये खिला दो, कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हें भूख लगी वहीं पर खा लो, आ जाओ। खाया सुबह से खाना नहीं खाया, दर्द में बिल्कुल परेशान है, खा लो। आज सुबह से इसने खाना नहीं खाया है, ये सुबह से फर्स्ट मैं उठ नहीं पा रही, इसकी बॉडी में दर्द, इसको बुखार भी आ गया है, ओ मेरी जान को बुखार आ गया, खा लो। सुबह पता है सुबह सुबह ऊपर ब्लू कलर का शेड है, वहाँ पे मैं जो बाहर शेड लगता है ना गैराज पे, उस शेड के ऊपर जाके बैठ गई थी, क्योंकि जानवरों को चोट लगती है तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं इंसानों से दूर, है ना, चाहे वो कैसे भी पेट्स हों, और स्पेशली कैट्स तो बहुत अपने खुद को लेके बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मिली नहीं कि मैं उसे खाना खिला दूँ, अब ऊपर कैसे उतारूँ मैं, वैसे सीढ़ी लगा है, कितनी मुसीबत के बाद ये 12-1 बजे खुद छत पे वापस चढ़ के आई है, उसको ली हूँ फिर नीचे लेके आई हूँ, और लाते ही 12-1 बजे नहीं, अभी शाम हो गई थी, मैं बहुत थक गई, शाम हो गई थी,
तो उस टाइम फाइनली ये छत से नीचे उतरी है, तो इसे तुरंत लेके मैं क्लिनिक में गई हूँ। खाने का बिल्कुल बेचारा बच्चे ने मेरा बिल्कुल खाना नहीं खाया दिन भर। हाँ मेरी चल खा लो बेटा, इसलिए मैं यहीं पे लेके आई हूँ खाना, की कोई बात नहीं वहाँ नहीं जा सकती है खाए। पानी भी पिला दूँगी अभी, प्यास लगी होगी तो। खा लो बस, सुसु पोटी बेटा यहाँ मत करना, बस इतना कर देना मेरे टेबल पे। खाई मम्मी, सारा खाना ख़त्म कर दो, भूखी थी सुबह से कुछ नहीं खाया था। चलो पानी लेके चले, मटके का पानी पी ले, देखो पीती है कि नहीं पीती है। जाओ, मटका गंदा है, पानी नहीं गंदा है। नहीं तो कहो आप सब कि भाई गंदा पानी पिलाती है, मिट्टी है ना गंदी हो जाती है। आई मेरा पैर, पानी, प्यास भी लगी थी से यार, पानी भी नहीं पिया था बच्चे ने मेरे। है बताओ, तुम यहीं पे पी लो बेटा, कहीं उठ के जाना नहीं, पानी पी लो। ये मटका ही सिर्फ मटका कैसा हो गया यार, मिट्टी ऐसे ख़राब हो जाती है ना, सफ़ेदी छा गई इसके ऊपर। जितना धुलो उतना इसको मटके में पानी रखते ताकि ठंडा हो, सो नेचुरल फीलिंग आए इसे। पी लो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो माउस सोई कहाँ है ये देखो। मतलब एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, मैं उसको कुछ गलती से भी नहीं कह सकती, लेकिन वो यूजुअल डे पे भी यही करती है। हालांकि आज तबीयत ख़राब है और मैं चाह रही हूँ मेरे पास जितनी ज़्यादा मेरे पास रहे, मैं बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। मेरी नज़र के सामने रहे, मेरे एकदम बिल्कुल पास रहे। देखो कहाँ सोई है, दिख रहा है ये देखो, मुंडी कहाँ लटका रखी है, और मतलब लिटरली मेरे और जिसके बीच में देखो ये दिख रहा है। इन्हें भी इसी चेयर पे बैठना है, इसी चेयर पे इनको सोना है, पूरे घर में कहीं जगह नहीं है, सिर्फ ये चेयर है जहाँ इन्हें सोना है। अब मैं क्या करूँ बताओ, एक और चेयर या तो इनके लिए खरीदूँ मैं जिस पे ये सोए। ना जाने इसे क्या प्यार है इस चेयर से, मुझे समझ में नहीं आता, वो ही जाने इसको क्या लगाव, क्या प्यार इस चेयर से। तो अब हमने ये रास्ता निकाला है बीच का कि ना तेरा ना मेरा, हम दोनों लोग आधी आधी चेयर ऐसे ही शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, और आज का काफ़ी हैक्टिक हो गया जी, उसकी माँ के चक्कर में मेरा मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, पता नहीं क्यों मैं मन नहीं लगता कहीं, इसीलिए मैं बाहर भी गई थी आज की, थोड़ा आउटिंग करके आऊँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। इसे क्लिनिक से लाई हूँ, अंदर लिटाया है और फिर मैं निकल गई हूँ अकेले ही। तो ये इसी के साथ ये दिन भी ख़त्म हुआ आज, और मैं आपको मिलती हूँ अगले दिन। और लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं वो कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज आप शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर देना, और इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।